नमस्कार और स्वागत है आपका मान्या एजुकेशन में। इलेक्ट्रॉनिक का आज हम लोग तीसरा पार्ट देखने वाले हैं। ये तीन पार्ट में पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोगों को ख़त्म करना था और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा तीसरा भाग है। ठीक है, दो पार्ट ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। ये जो हमारा पूरा सीरीज चल रहा है, ये MPPSC 2020 प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल चल रहा है और जो यूनिट हम लोग कवर कर रहे हैं वह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आइए आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट 3। आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले सेल्स और बैटरीज क्या हैं। सेल्स और बैटरीज हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को चार्ज का बैकअप देने के लिए होते हैं। तो सबसे पहले जान लें सेल क्या होता है, फिर देख लें बैटरी क्या होती है ना। तो सेल क्या होता है, एक सिंगल यूनिट डिवाइस होता है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल के अंदर क्या होता है, एनोड कैथोड बना होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसके अंदर, उसके अंदर केमिकल्स डले होते हैं। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सेल का प्रमुख काम क्या है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, अ सेल इज आइदर रिजर्व, वेट और ड्राई टाइप्स। तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो कितने प्रकार के हो गए, उनमें इलेक्ट्रोलाइट किस प्रकार का यूज किया गया उस पर डिपेंड करता है कि रिजर्व सेल है, वेट सेल है या ड्राई सेल है। ठीक है, ड्राई सेल जो है वो बहुत ही पॉपुलर है घरों में। सेल ऑल्सो इंक्लूड्स मोल्टन सॉल्ट टाइप। ठीक है, इस प्रकार का भी मोल्टन सॉल्ट टाइप का भी सेल होता है और मोस्टली फॉर लाइटर टास्क के लिए यूज होता है, जैसे कि लैंप्स में, क्लॉक्स में वगैरह वगैरह। इस तरह से सेल्स का उपयोग जो है वो किया जाता है। सेल्स का उपयोग आपने और भी जगह किया होगा, अपने घरों में टॉर्च में यूज़ करते हैं ना, टीवी के रिमोट वगैरह में यूज़ करते हैं। इस तरह से जो सेल्स होते हैं वो प्रमुख काम क्या है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। वेट सेल हो सकता है, इसमें ड्राई सेल हो सकता है। ड्राई सेल जो है वो काफ़ी घरों में हम यूज़ करते हैं। दूसरा हो गया बैटरी, जिसमें इस बहुत सारे सेल होते हैं, है ना। अब बैटरी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, तो इसमें बहुत सारे सेल्स हैं और ये एक प्राइमरी बैटरी हो सकता है या सेकेंडरी बैटरी हो सकता है। प्राइमरी बैटरी यानी कि रिचार्जेबल बैटरी और सेकेंडरी बैटरी यानी नॉन रिचार्जेबल बैटरी। तो कुछ बैटरियाँ ऐसी होती हैं जो रिचार्ज की जा सकती हैं, वो क्या हो जाएंगी, प्राइमरी बैटरी, है ना, और जो नहीं रिचार्ज की जा सकती है वो सेकेंडरी बैटरी। अब बैटरी इज मोस्टली यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी टास्क, गाड़ियों में, इन्वर्टर्स में, ये सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है बैटरी। तो बैटरी समझ गए आप, है ना। एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये सेल्स हो गए, ठीक है, ये बैटरीज हो गए। तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो हो गए बैटरी, ना, ये देखा होगा सबने और ये भी देखा होगा आपने, ये सेल्स हो गए जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। अब देखते हैं हम लोग फिल्टर्स। फिल्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे सर्किट का। तो क्या होता है, एक बेसिकली लीनियर सर्किट होता है दैट हेल्प्स टू रिमूव अनवांटेड कंपोनेंट्स सच एज नॉइस, इंटरफेरेंस, डिस्टॉर्शन फ्रॉम द इनपुट सिग्नल। जब भी इनपुट सिग्नल हमारा सर्किट लेता है या हमारे डिवाइस जो है जब भी कोई इनपुट लेता है तो वो एक खास प्रकार का सिग्नल लेगा। अब उस सिग्नल के साथ कुछ और भी सिग्नल्स ना आ जाएं, ठीक है ना, जो सिग्नल हमको चाहिए सिर्फ वही मिले, बाकी सारे सिग्नल जो है वो कैंसिल हो जाएं, ठीक है, रिमूव हो जाएं, उसके लिए फिल्टर लगाए जाते हैं। तो ये फिल्टर देख लीजिए किस प्रकार के होते हैं, हो सकता है आपने देखा हो। बेसिक काम क्या है इनका, टू रिमूव अनवांटेड कंपोनेंट्स सच एज नॉइस, इंटरफेरेंस एंड डिस्टॉर्शन फ्रॉम द इनपुट सिग्नल। तो जो अनवांटेड सिग्नल्स हैं उनको रिमूव करने का काम होता है फिल्टर्स का। एक होते हैं क्लिपर्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। एक ऐसा सर्किट होता है डिजाइन टू प्रिवेंट अ सिग्नल फ्रॉम एक्सीडिंग अ प्री डिटरमाइंड रेफरेंस वोल्टेज लेवल। क्लिपर्स जो होते हैं वो एक निश्चित वोल्टेज लेवल मेंटेन रहे सिग्नल का, इसके लिए लगाए जाते हैं, ठीक है ना। एक निश्चित वोल्टेज लेवल मेंटेन करने के लिए सर्किट में क्लिपर्स लगाए जाते हैं। उसी प्रकार से एक होते हैं क्लैंपर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसा होता है दैट फिक्सेस आइदर द पॉजिटिव और द नेगेटिव पीक एक्सकर्शंस ऑफ अ सिग्नल टू अ डिफाइंड वैल्यू बाय शिफ्टिंग इट्स डीसी वैल्यू। तो डीसी वैल्यू बदल के पॉजिटिव और नेगेटिव जो है
वो फिक्स कर देता है, ठीक है। पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक, कोई भी करंट कितना हाईएस्ट जाएगा कितना लोवेस्ट जाएगा, इसको फिक्स कर देता है क्लैंपर। तो ये जो हो गया क्लिपर और ये हो गया क्लैंपर, ये क्या होगा, क्लिपर जो हो गया वो एक रेफरेंस लेवल, एक निश्चित वोल्टेज लेवल से ऊपर जाने नहीं देता किसी भी सिग्नल को, और क्लैंपर जो होता है वो हाईएस्ट और लोवेस्ट यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पीक को ये डिफाइन कर देता है और उसके ऊपर का जो सिग्नल है वो नहीं जाता। एक होता है एम्पलीफायर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एम्पलीफायर ये इस प्रकार का होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है। ये एम्पलीफायर आपने यूज़ किया होगा, बहुत सारे लोगों ने यूज़ नहीं भी किया होगा तो देखा होगा। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि वोल्टेज करंट और पावर ऑफ अ सिग्नल इसको इंक्रीज करने के काम आता है, ठीक है ना। एम्पलीफायर का नाम ही इससे पता चल रहा है ना, एम्पलीफाई करने का काम होता है। एम्पलीफायर्स आर यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मुख्य रूप से। ये आपने जब माइक सिस्टम वगैरह होता है, जो कॉर्डलेस माइक वगैरह हो, तो उसमें भी देखा होगा आपने ये चीज़, है ना। कहाँ पे काम आता है, वायरलेस कम्युनिकेशन में, ब्रॉडकास्टिंग में, ऑडियो इक्विपमेंट्स में, सब में काम आता है। जैसे मैंने अभी माइक का जिक्र किया है ना। दे कैन बी कैटेगराइज एज आइदर वीक सिग्नल एम्पलीफायर्स और पावर एम्पलीफायर्स। दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वीक सिग्नल एम्पलीफायर्स और एक होते हैं पावर एम्पलीफायर्स। पावर एम्पलीफायर्स जो है वो काफी ज्यादा एम्पलीफाई करते हैं सिग्नल्स को। अब आते हैं हम लोग एक ऐसी चीज पर जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट एमिटिंग डायोड, है ना, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे एलईडी। अब आजकल क्या है, टीवीज एलईडी आ रही हैं, मॉनिटर्स एलईडी आ रहे हैं, है ना, और जो कार में स्क्रीन लगी रहती है वो एलईडी बोलते हैं उसको। तो एलईडी क्या चीज़ है, ये एक लाइट एमिटिंग डायोड जो है वो इस तरह का दिखता है ना, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसमें से लाइट निकलती है, दैट एमिट्स लाइट, है ना। व्हेन एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट, तो इसके अंदर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा तो इसमें से लाइट निकलेगी। तो लाइट जो है वो कैसे निकलती है, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज होने से। ये जो है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जब चार्ज होंगे तो वो लाइट के रूप में ऊर्जा बाहर निकालते हैं, ठीक है। और सेमीकंडक्टर जो है वो फिर गाइडेड रूप में उस ऊर्जा को बाहर निकलने देता है। तो इनसाइड द सेमीकंडक्टर मटेरियल ऑफ द एलईडी द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर कंटेंट विथ एनर्जी बैंड्स। इसके अंदर एनर्जी बैंड भी होते हैं, ठीक है, और ये बैंड गैप से ये आपस में सेपरेटेड भी रहते हैं। और इस प्रकार से इसमें से जो है वो एनर्जी के रूप में लाइट बाहर निकलती है, और लाइट के इसी कॉम्बिनेशन से जो है वो आपके स्क्रीन पे, मॉनिटर स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे चित्र बनाए जाते हैं। तो यही जो एलईडी का फीचर है, इसका उपयोग किया जाता है मॉनिटर्स वगैरह, ये डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन्स बनाने में और घरेलू लाइट बनाने में। अब इसका जो सबसे प्रमुख फीचर वो ये है कि ये पावर का इस्तेमाल बहुत कम करता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का खर्च बहुत कम है, पावर का इस्तेमाल बहुत कम होता है, और इसीलिए ये पॉपुलर भी हो गया, और इसी वजह से ये थोड़ा सा सस्ता भी पड़ता है, ठीक है। तो पॉपुलर बहुत, आजकल बहुत ही पॉपुलर है ये। माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होगा हमारे लिए, माइक्रो प्रोसेसर्स, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि चौथे पीढ़ी से, कंप्यूटर के चौथे पीढ़ी से माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या चीज़ है, एक इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट है दैट इज़ यूज्ड बाई अ कंप्यूटर टू डू इट्स वर्क। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट है जो कि कंप्यूटर द्वारा यूज़ किया जाता है। ये देख लीजिए माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर नहीं हो तो कंप्यूटर जो है वो पुराने ज़माने का कंप्यूटर बन जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर होना बहुत ज़रूरी है, आजकल के सारे कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर वाले आते हैं, ठीक है। एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड चिप कंटेनिंग मिलियंस ऑफ वेरी स्मॉल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग ट्रांसिस्टर, रेसिस्टर, डायोड्स वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें मिलके बनी होती हैं। तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि कंप्यूटर में होता है, इसके अंदर एक चिप भी होता है, और उस चिप के अंदर ट्रांसिस्टर, रेसिस्टर, डायोड्स वगैरह सैकड़ों की संख्या में, हजारों या लाखों बोल लीजिए, लाखों की संख्या में रहते हैं। तो ये माइक्रो प्रोसेसर जो है ये पूरा का पूरा एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी सर्किट है जो कि कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है। अब आते हैं हम लोग लॉजिक गेट्स में। लॉजिक गेट क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने का एक तरीका है। लॉजिकल
जो ऑपरेशंस हैं उन पे बेस्ड होता है। तो किसी भी सर्किट को बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ लॉजिक चाहिए होता है। करंट, जैसे दो करंट कंबाइन होंगे तो उसका आउटपुट क्या निकलेगा, दो करंट एक जगह पे आएंगे तो या वो कैंसिल करेंगे या तो वो एनहांस होंगे, तो क्या रिजल्ट होता है दो या दो से ज़्यादा करंट के आपस में मिलने का, वो ये डिसाइड करता है लॉजिक, और उसी को बोलते हैं लॉजिक गेट। ठीक है, तो ऐसे सर्किट जो लॉजिक्स पे चलते हैं, डिजिटल लॉजिक्स पे, वो कहलाते हैं लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट क्या हो गया, डिजिटल लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है ना, विच मेक्स लॉजिकल डिसीजंस बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स प्रेजेंट ऑन इट्स इनपुट्स। अब इसके बारे में हम लोग ये जानना, मेरे ख्याल से इस लेसन में हम लोगों के हमारे इस यूनिट में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा कि ये किस तरह से इनका जो सिग्नलिंग जो है वो चलती है, सिग्नल का आउटपुट कैसा आता है, इसका ट्रूथ टेबल वगैरह किस प्रकार बनता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को जनरल नॉलेज के लिए इतना जानना जरूरी है कि दो करंट आपस में मिलेंगे तो जो एंड होंगे और होंगे जोर होंगे, मतलब ये अलग अलग सात प्रकार के होते हैं। जैसे दो करंट आपस में मिलेंगे एंड होंगे तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई होते हैं, है ना, जैसे करंट प्लस करंट, है ना, करंट एंड एंड की बात कर रहे हैं तो सॉरी आप उसको मल्टीप्लिकेशन बोल देते हैं, तो करंट इंटू करंट जो हो जाता है वो करंट, करंट इंटू नॉट करंट वो हो गया नो करंट, नॉट करंट इंटू करंट हो गया नो करंट, नो करंट इंटू नो करंट हो गया नो करंट। ठीक है, इस तरह से पूरा का पूरा ट्रूथ टेबल बनाया जाता है और इसी लॉजिक पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनता है। ये सात अलग अलग तरह के लॉजिक गेट्स हैं, ठीक है ना। ये पहला जो हो गया एंड, जिसमें खास तौर से हम ये देख सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन जैसा काम करता है ना, जब करंट आ रहा है इसका मतलब वन, करंट नहीं आ रहा है इसका मतलब जीरो। ठीक है, तो जब आ रहा है नहीं आ रहा है वन इंटू जीरो, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो जीरो, अगर ये भी वन होता तो ये वन इंटू वन वन होता। ठीक है, इस तरह से ये मल्टीप्लीकेशन जैसा काम करता है और सॉरी एंड, और दूसरा होता है एक और जो है वो प्लस जैसा काम करता है, अगर यहाँ पर वन है यहाँ जीरो है तो ये हो जाएगा वन, अगर ये वन और वन होता तो टू नहीं होता तो भी वो वन ही होता। ठीक है, इस तरह से। और एक होता है नैंड, एंड का उल्टा, है ना, इसका उल्टा नैंड हो गया। एक होता है नॉट, जो कि उल्टा करंट देता है। ठीक है, जब जा रहा हो तो उसको नलीफाई कर देगा, नहीं आ रहा हो तो उसको वहां पे जनरेट करेगा, तो ये नॉट होता है। एक होता है नॉर, जो कि और का उल्टा होता है। एक होता है ई और, है ना, एक होता है ई नॉर। ये टोटल सात अलग 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 प्रकार के जो है वो लॉजिक गेट्स होते हैं, सात अलग 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 प्रकार के लॉजिक्स होते हैं। तो ये आप समझ लीजिए लॉजिक गेट क्या होते हैं, ये समझ लीजिए कि इतने प्रकार के ये जो होते हैं वो लॉजिक गेट्स होते हैं। तो ये हुआ लॉजिक गेट्स। इसी के साथ हम लोगों ने ये इलेक्ट्रॉनिक्स का तीसरा पार्ट भी समाप्त किया है। उम्मीद है कि हमने जो इसमें पढ़ा है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है, आप हमें कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।